राइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे दिख रही है क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन, और आज यही बाइक का हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि कैसी क्या है, क्या क्या नए अपडेट्स हमें इस बाइक में मिलने वाले। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने के पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा रॉयल इनफील्ड पनवेल को, क्योंकि जिन्होंने ये बाइक मुझे दी और मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग ला पा रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं बाइक कैसी है। ये रही कीज, पूरा सीन चेंज कर दिया है अभी तो। जैसे कि ये देखो, पहले तक स्वाइप मिलेगा और एक डिजिटल कंसोल भी मिलता है अभी हमें, और सबसे मेन अपडेट था इसमें अभी फ्यूल गेज भी दिख रहा है, जो पहले कोई भी रॉयल एनफील्ड में नहीं था और इसमें अपडेट किया गया है, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है इस बाइक का। और बाकी बातें करें तो फ्रंट से आप लोग पूरी देख सकते हो इनबिल्ट, अभी इसमें पहले से ही पार्किंग लाइट आती है। वैसे दो अलग अलग वेरिएंट में आती है, एक बिना वाइज़र वाली भी आती है और वह वाइज़र भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये जो बाइक का वाइज़र जो लगा है वो हम लोग हमारे चॉइस से कर सकते हैं सिलेक्ट, कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। तो ये एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम अपने पसंद से चॉइस कर सकते हैं। और बाइक का लुक देखो यार, पूरा क्रोम फिनिशिंग में तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है बाइक। और नीचे इंजन देखोगे तो इंजन सेम वही आ रहा है, मीटियोर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है इसका चेसी, इसका इंजन सेम मीटियोर जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही 20 पीएस की पावर मिलेगी और 23 या 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बाकी बाइक जो शाइन कर रही है ना यार, वाह। ऊपर से इसमें हम लोग ड्यूअल सीट भी लगा सकते हैं, सिंगल सीट भी लगा सकते हैं। पीछे से बहुत बेहतरीन लुक आ रहा है बाइक का, और पीछे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग, वाह यार। इधर भी क्लासिक 350 का बैचिंग आ गया है। बाकी ये जो फुटरेस्ट है ये हम लोग अपने चॉइस से कर सकते हैं, ये एडवेंचर वाले लगे हुए हैं और इसमें हम लोग के पसंद से हम लोग अलग अलग फुटरेस्ट आते हैं तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। बाइक के अभी चेन की बात करें तो चेन पहले वो साइड आती थी, अभी इस साइड आती है चेन, चेन की जगह शिफ्ट की कर दिए। और बाइक क्या शाइन कर रही है लिटरली, इसमें देखो क्रोम फिनिशिंग में तो बहुत सही लग रही है। इधर आप लोग देख सकते हो पूरा स्विच एंड ऑल सब चेंज किया है, पूरा मीटियोर जैसा कर दिया गया है अभी। और इधर से देखेंगे तो इधर भी स्विच सेम मीटियोर जैसा ही है। बाइक स्टार्ट करके देखते हैं क्या कैसे साउंड कर रही है बाइक। तो आप लोगों ने बाइक का साउंड भी सुन के देखा कि भाई अच्छा बेस वाला आवाज आ रहा है बाइक का। तो जैसे कि इधर आप लोग डिजिटल कंसोल में देख सकते हो, इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडो मिल जाता है, और इधर से आप लोग चेंज कर सकते हो ट्रिप वन वगैरह, ये टाइम आ गया, ये ओडोमीटर आ गया, ये ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ, और ये फिर से टाइम। तो मतलब अभी पहले से अच्छा खासा डिटेल्स हमें इधर डिजिटल कंसोल में देखने मिलता है और ये काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। राइट, तो बारिश आने की वजह से ब्लॉग थोड़ा बीच में रोकना पड़ा और अभी बारिश बंद हो गई है तो ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं था इधर ब्रेक लाइट की बात कर रहा था, ब्रेक लाइट आप लोग देख सकते हो हेलोजन ब्रेक लाइट है और इंडिकेटर्स भी अब हेलोजन है, तो वो तो हो गई एक बात। और बाइक में अब आप लोग देखो तो आपको स्पोक व्हील मिलता है और आप लोग को ऑप्शन भी मिलता है, आप ट्यूबलेस और ट्यूब टायर भी ले सकते हो, सीएट के टायर्स बाइक के साथ आते हैं। और इसमें आपको एलॉय व्हील वाला भी मिलता है और एलॉय व्हील वाले में सिल्वर कलर की स्ट्राइप्स भी है, तो वो भी एक देखने को बहुत अच्छा लगता है। बारिश में भीगने की वजह से बाइक अभी तो और ज़्यादा कूल लग रही है यार, तब देखो ना पूरा क्रोम, पूरी बाइक चमक रही है अभी। हाँ, तो बाइक को थोड़ा चला के देखते हैं, अभी बारिश हो गई इसलिए ज़्यादा बड़ा राइड तो नहीं ले सकते, बट इधर जो पैसेज होते हैं पैसे में मैं बाइक को चला के देखता हूँ कैसी फील आ रही है, वाइब्रेशंस वगैरह कैसा क्या है वो सब देखेंगे अभी। और एग्जॉस्ट भी देखेंगे कि भाई अभी कितना बेसी आवाज़ हो गया, वैसे तो मैंने दिखाया आप लोगों को बट फिर भी एक बार चलाने के टाइम आप लोगों को बता दूंगा कैसा आएगा। और मिरर्स भी देखेंगे कि वाइब्रेशन मिरर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऑब्वियसली रॉयल इनफील्ड में थोड़े वाइब्रेशंस तो रह गई बट इंजन रिफाइनमेंट किया गया है तो पहले से कम वाइब्रेशन रहेगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ना एकदम ना के बराबर रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा बट पहले से बहुत ज़्यादा कम रहेगा अभी। तो चलो बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। ऑल राइट, तो चलो अभी थोड़ा बाइक को चला के देखते हैं, एक इधर ही शॉर्ट राइड भी नहीं, शॉर्ट स्पिन बोल सकते हैं, एक वही देखते हैं अभी कैसा क्या है। एक मिनट मैं तो बाइक चला के देखते हैं अभी, वो बाइक स्टार्ट हो गई मालूम भी नहीं पड़ा, मतलब वाइब्रेशन में अच्छा खासा डिफरेंस देखने मिलेगा अभी क्योंकि पहले के कंपैरिजन में कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। और एग्जॉस्ट भी आपको सुना देता हूँ,
अच्छा खासा बेसी एग्जॉस्ट है। तो चलो एक छोटा सा स्पिन लेके देखते हैं। ओके, वाइब्रेशन है सच में ना के बराबर एकदम, मतलब पहली की जो भी थी ना रिफाइनमेंट भी इंजन में बहुत अच्छी खासी है। वाह यार, मतलब बोलते ना फुल पैसा वसूल बाइक है अभी ये, रिफाइनमेंट के चक्कर में भी। एक क्लोज लुक देता हूँ आप लोग को इसका एग्जॉस्ट का, इसका और ये रहे इंडिकेटर्स। ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ बाइक आती है तो ब्रेकिंग भी अभी इम्प्रूव हो गई अच्छे से, सॉर्टेड। तो चलो अभी आप लोगों को शोरूम में जाके मैं दूसरे कलर्स भी बताता हूँ बाइक्स में, और भी एक इसका वेरिएंट है वो भी आप लोग को बताता हूँ। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को कलर बताया था ये देखो, एक ब्राउन में आता है, ये जो अभी पूरे ब्लॉग में थी ये बाइक पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये एक कलर आता है इसमें, और ये एक कलर डार्क ग्रीन कलर, यार बहुत आप इस पर देख सकते हो हल्का हल्का सा स्पार्कलिंग दिख रहा है। और ये एक कलर है यहाँ पे, तो मतलब कलर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे खासे हैं हमारे पास। मेरे को पर्सनली वो डार्क ग्रीन और ये ज़्यादा पसंद आया। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग और बाइक दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा और सिनेमेटिक भी अच्छी लगी होगी तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।